ऑल राइट सो गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले गाइस पाल वर्ल्ड, क्योंकि गाइस पाल वर्ल्ड में आ चुका है काफी इंटरेस्टिंग पोकेमोन बॉस जिससे हम लोग आज बीट करेंगे और गाइस कैप्चर भी करने वाले हैं। तो गाइस रिसेंटली वो पाल वर्ल्ड में आए हुए काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन बॉस है और भाई साहब सब लोग ने उसको पकड़ लिया भाई। हाल ही में ही बस इकलौता बंदा हूं जो इसको पकड़ नहीं पाया हूं, तो गाइस आज हम लोग उसको पकड़ने वाले हैं। चलते हैं गाइस फटाफट से गेम के अंदर। ओके तो गाइस पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ड्रैगन किंग मॉन्स्टर जो कि पाल वर्ल्ड में आया हुआ था उसे हम लोगों ने बीट करके कैप्चर भी कर लिया था, लेकिन गाइस उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी देर के लिए आया था भाई, मॉन्स्टर पोकेमोन था और भाई पता नहीं कैसे बंदे उसको यूज कर पा रहे, तो मैं तो फिलहाल यूज नहीं कर पा रहा उसको। और भाई मेरे पास जो चारिज़ार्ड है काफी स्लो चलता है भाई, मेरे को अभी ना हेलज़फ़र लक्स के ऊपर बैठ के जाना पड़ेगा भाई। हेलज़फ़र लक्स भी गाइस अच्छा पोकेमोन है, वैसे तो हमारे पास लेटियस है लेकिन वो अभी बेस पे है, तो गाइस फटाफट से बेस पे जाके ना अपने को लेटियस उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे गाइस फास्ट टेवल है, फटाफट से फास्ट टेवल के पास चलते हैं और गाइस अपने बेस पे जाके अपने लेटियस को उठाते हैं भाई, क्योंकि उससे अपने लोग फास्ट उड़ सकते हैं भाई। और यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे पोकेमोन है मेरे ऊपर अटैक कर, उससे पहले मैं फटाफट से अपना बेस की तरफ निकल लेता हूँ भाई, खाली फोकट अपने को फंगा नहीं लेना है ना लड़ाई करना है किसी से। चलो गाइस अपन लोग बेस पे आ गए हैं, ये मेरा एरिना वाला बेस है, अभी मैं अपना ओरिजिनल बेस को तोड़ के नया बेस बनाऊंगा, उसकी भी अलग वीडियो आएगी भाई, पता नहीं वीडियो आएगी कि नहीं, वो वाला वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे शायद। फिलहाल गाइस फटाफट से अपने लेटियस को उठाते हैं और कुछ नए नए पोकेमोन जैसे कि ग्रेनिंजा और भाई सब नए नए पोकेमोन मैं उठा लिया हूं। चलते हैं गाइस फटाफट से ना उस पोकेमोन के तलाश में, यहां पास तो अपने को मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये पूरा आइस टाइप वाला एरिया है और गाइस यहां पे ना एक डंजन भी है, बट मैं डंजन को छोड़ो गाइस फटाफट से ना मैं पूरे तरफ से घूम के वापस से इस एरिया पे आ गया हूं जहां पे गाइस पूरा लावा है और पूरा आग वाला एरिया गाइस। यहां पे ना अपने को फायर टाइप पोकेमोन सारे के सारे मिल जाते हैं। तो हाँ गाइस जो वो पोकेमोन आया है वो भी गाइस फायर टाइप ही पोकेमोन, और पोकेमोन का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस पोकेमोन का नाम है गाइस ड्रैगोनाइट, जो कि गाइस सारे के सारे यूट्यूबर्स पकड़ रहे हो भाई अपने साथ में लेके, उसको भाई कामों में भी करवा रहे हैं भाई, इतना जल्दी कैसे पकड़ लिए लोग भाई, मुझे तो अभी तक दिखा नहीं वो पोकेमोन। आज हम लोग खोज के उसको पकड़ने वाले गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बेस पे उससे काम भी कराएंगे। और वेट यहाँ पे गाइस लेटियस का भाई मूर्ति भी किसने बनवा दिया गाइस, पहले यहाँ पे जो ड्रैगन का मूर्ति हुआ करता था भाई, लेकिन अभी लेटियस का मूर्ति बन गया भाई, देख सकते हो यार आप लोग लेटियस ही है ना ये। ओके ये लेटियस ही है। चलो गाइस फटाफट से ना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को उसको खोजना यार। और गाइस ऑलमोस्ट मैं सारे के सारे एरिया को भाई खोज लिया, लेकिन भाई अभी तक मुझे ड्रैगोनाइट दिखा नहीं यार कहीं पे, यही गाइस आस पास में तो होना चाहिए भाई वो ड्रैगोनाइट, एक बार मिल जाएगा तो गाइस उसको अपन लोग गंदा मारने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे काफी खतरनाक पोकेमोन है गाइस। आरकेएस को भी मैंने रख लिया भाई, पिछली बार अपन लोग आरकेएस भी पकड़े। ओके गाइस यहाँ पे ड्रैगोनाइट शायद से ना बॉस पोकेमोन नहीं है, लेकिन देखने में क्या जाता है। ओके ये बॉस पोकेमोन, ओ भाई बॉस पोकेमोन यार 80 लेवल का है भाई, पता नहीं इसको पकड़ भी पाएंगे कि नहीं, भड़क तो गया यार। चलो यार देखते हैं ऊपर से कितना इसका अटैक है, कौन सा अटैक करता पहला। ओ भाई ओहो ग्राउंड टाइप अटैक कर रहा है यार ये तो, शायद से ना भाई इसके पास फायर, ओ गाइस ये ड्रैगन अटैक कर रहा है भाई, इसके पास तो ओ फायर वाला भी अटैक कर रहा है भाई। चलो चलो कोई बात नहीं गाइस, मैंने ना सारे के सारे अपने पोकेमोन को आइस टाइप मूव सिखा के लाया गाइस, क्योंकि ना मैं जान रहा था कि फायर टाइप पोकेमोन होने वाला है, तो हाँ अपने पास आइस टाइप पोकेमोन होगा तो जल्दी एडवांटेज होगा ना यार अपने पास, इसके लिए मैं सारे पोकेमोन को गाइस आइस टाइप मूव सिखा के भाई पकड़ के लेके आ गया हूँ। चलो गाइस फटाफट से ना इसके ऊपर अटैक करते हैं और गाइस इसको कैप्चर करते हैं। 24,000 की हेल्थ है, ज्यादा की हेल्थ है लेकिन गाइस काफी तगड़ा हेल्थ है भाई, क्योंकि ये पोकेमोन 80 लेवल का है गाइस, मे बी शायद से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि गाइस इससे पहले भी अपन लोगों ने 80 लेवल के पोकेमोन को ऐसे पकड़ा है, लेकिन अभी देखते हैं पकड़ पाते कि नहीं, क्योंकि इसके अटैक्स जो है ना गाइस काफी इंटरेस्टिंग अटैक है भाई, काफी 3-4 प्रकार का अटैक है गाइस इसके पास। फिलहाल गाइस ये दबा के फायर वाला अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, अभी देखते हैं क्या होता है भाई, अभी तो एक भी अटैक मेरे को ढंग से पड़ा नहीं है। मेरे पास जो आर्मर है गाइस उसको मैं एक और लेके आया हूं, जो कि गाइस बड़ा वाला आर्मर है, फिलहाल मैं इसी से फाइट करके देखता हूं कितना मेरा भाई काम करता है ये आर्मर, उसके बाद गाइस अपन लोग चेंज कर लेंगे वाला आर्मर, फिलहाल तो ये आर्मर कुछ काम का नहीं लग रहा मुझे। फिलहाल गाइस मैं लुगिया को भेजता हूँ, लुगिया देखते हैं गाइस कुछ अटैक कर पाता भी कि नहीं इसके ऊपर। लुगिया के पास गाइस इलेक्ट्रिक मूव, आइस मूव और गाइस डार्क मूव है, तीनों के तीनों मूव है इसके पास, देखते हैं क्या कर पाता है। चल भाई लुगिया कुछ अटैक कर ले यार इसके ऊपर। ओके इलेक्ट्रिक मूव आ रहा, देखते हैं कितना डैमेज, भाई घंटा कुछ डैमेज नहीं गाइस इलेक्ट्रिक मूव का, हमें आइस टाइप अटैक ही चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि गाइस ये फायर टाइप है और भाई इसके ऊपर ना आइस टाइप ही अटैक काम करेगा। मैं गाइस सोच रहा हूं थोड़ा बहुत डैमेज मेरे पोकेमोन दे पाए तो गाइस पल्स पर फेंकना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गाइस 20% एचपी गई अभी तक और हमारा आर्मर ना है, अपने पास शील्ड भी नहीं है, और गाइस शायद ना मुझे इससे फाइट बचा के भागना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरा हेल्थ जा रहा है अभी, हेल्थ बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि हम मर जाएंगे तो गाइस ये फाइट का कोई मतलब नहीं होगा। ग्रेनिंजा को भेजता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कितना अटैक कर पाता है। मार ले भाई ग्रेनिंजा, कुछ कर ले, घूमना नहीं है भाई, मार ले के मार खाने आया ये भी।
देख लो भाई, एक बार में आते हैं मेरे बंदे, मार खाते हैं और भाई सब निकल लेते हैं। अरे यार मेरे पास शील्ड ही नहीं आ पा रहा भाई, ये बार बार मुझे डैमेज करे पड़ा भाई। अभी तो गाइस मैं फाइट अवॉइड करूँ क्योंकि भाई मेरे पास शील्ड नहीं है और मेरा हेल्थ जा रहा है। फिलहाल मैं भाग रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं मर सकता हूँ भाई इस फाइट में। मेरा देख रहा हूँ हेल्थ, देख रहा हूँ कितना कम बचा गाइस हेल्थ, और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा भाई। खाना पीना खा लेते हैं फटाफट से, हेल्थ बढ़ा लेते हैं। थोड़ी देर बाद आते हैं गाइस, ये तो फाइट भूल चुका यार, पता नहीं इसके ऊपर कौन सा पोकेमॉन उड़ रहा है, उससे भी मेरे को टेंशन आ रहा है। अब क्योंकि मेरे पास शील्ड आया, मेरा हेल्थ अभी फुल नहीं हुआ है। तो हाँ चलते हैं गाइस, देखते हैं कितना अपने पास आर्मर है। आर्मर चेंज कर लेते हैं, चलो नए वाला आर्मर में यूज कर ले जो कि ज्यादा पावरफुल है। देखते हैं कितना डैमेज कर पाते हैं इसको अपन लोग अभी। तो हाँ गाइस, अभी ना जो अपने पास आर्मर आया उससे गाइस अपना हेल्थ ना फटाफट से भर रहा शायद से, और भाई साहब अपना को डैमेज भी थोड़ा कम हो रहा है। तो गाइस हाँ, मेरा भी ड्रैगन को भी ना, जो ड्रैगन बोलते हैं यार लेटियस को भी गाइस मैं अपना आइस टाइप मूव दे दिया हूँ। गाइस थोड़ा बहुत आइस टाइप अटैक हो जा रहा, सप्लाई ड्रॉप हो रहा गाइस, बहुत ही गंदा साउंड आ रहा है यहाँ पे। और गाइस मैं भी यहीं पे आसपास कहीं पे गिरने वाला है, और पता नहीं इसमें से और भी खतरनाक पोकेमॉन ड्रॉप ना हो जाए। गाइस मुझे ना एक बात का टेंशन है कि यहीं पे मत गिर जाए। चलो देखते हैं कहाँ पे गिरता है यार। चलो कोई बात नहीं यार, कहीं पे भी गिर जाए अभी तो अपने को फाइट निकालना। और यहाँ पे एक और पोकेमॉन आ गया भाई, इससे फाइट निकालना पड़ेगा। इसको मैं सोच रहा हूँ मार दूँ या कैप्चर ही कर लूँ। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अपने लूगे को भेज दिए इनसे फाइट करने, ये भी आ गया गाइस अपने पास ड्रैगोनाइट, ये भी घड़क चुका। ओके यहाँ पे सप्लाई ड्रॉप हुआ है और बॉक्स ही ड्रॉप हुआ है, कोई पोकेमॉन ड्रॉप नहीं होगा इस, अच्छा हुआ इस बार। चलो गाइस अभी ना अपना वीपन निकालने का टाइम आ चुका है, मैं अपने गन्स निकाल के मार रहा हूँ भाई इसको। मैं अपने ना सारे मेटेरियल ट्रॉन्चर ये सब गाइस बेस पे छोड़ के आ गया भाई। मुझे पता नहीं था कि इतना पावरफुल बॉक्स होने वाला ये, क्योंकि गाइस हमारे घर दो सील दो आर्मर भाई दोनों उड़ा दिया भाई, अच्छे तरीके से डैमेज कर दिया है। तो हाँ गाइस थोड़ा ना बच के इससे फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा फाइट को अवॉइड करना पड़ेगा। देख रहा हूँ अभी अपना सील्ड जा चुका है, अभी अपना हेल्थ जा रहा है, फिर भी मैं इससे भाई पंगा ले रहा हूँ। मेरा लुगिया को देखो, अरे भाई कुछ कर ले यार लुगिया पीछे बंदा। चलो गाइस अभी ना आरकेएस को भेजते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत ये डैमेज कर पाता है कि नहीं। चलो ओ भाई साहब मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। ओके भाई इलेक्ट्रिक मूव यूज़ नहीं करना है भाई, अपने को आइस मूव यूज़ करना है। चल भाई आइस टाइप अटैक कर ले, आइस टाइप अटैक कर ले। ओके आइस टाइप अटैक किया, बदले में गाइस फायर अटैक आ रहा मेरे ऊपर, और घंटा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो गाइस देखते हैं। ओके बराबर आइस टाइप अटैक कर रहा अपना आरकेएस। चलो थोड़ा बहुत डैमेज तो हो रहा फिलहाल, नहीं लगभग 30% जा चुका है, 70% अभी और एचपी बाकी है इसके अंदर, वो भी गाइस हम लोग धीरे धीरे उड़ा देंगे। फिलहाल ना अपना एचपी बहुत बड़ी तरीके से जा रहा है, 80% एचपी हम हैं गाइस अभी, वो 70% पे लेकिन 80% हम एचपी है और हमारा एचपी बराबर से जा रहा। और गाइस आग से मैं जल रहा हूँ, बच गया यार, मरना नहीं भाई। लुकारियो कुछ कर, चलो गाइस लुकारियो संभाल लेगा जैसा कि मुझे लग रहा है। लुकारियो के पास तीनों के तीनों आइस टाइप अटैक हैं, तो हाँ लुकारियो संभाल लेगा गाइस। लुकारियो बंदा देख के अटैक करता है गाइस, कौन सा अटैक इसके ऊपर ज़्यादा हावी होगा वो देख के अटैक करता है गाइस। लुकारियो अपना बेस्ट पोकेमॉन है, लगातार आइस टाइप अटैक कर रहा, बट गाइस हमारी एचपी जो है 20% ऑलरेडी हो चुकी है और हम लोग कभी भी मर सकते हैं। हमारा आर्मर आ जाए भाई, मैं बार बार डैमेज खा जा रहा हूँ और आर्मर आने में लगभग 15 सेकंड लगते हैं भाई। और गाइस अभी मैं वापस से भाग चुका हूँ, देख रहा हूँ मेरा आर्मर नहीं था, मेरे पास शील्ड नहीं था, और भाई हेल्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा आर्मर भी डैमेज हो गया गाइस। अभी देखते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं हेल्थ लेके वापस आ रहा हूँ। शील्ड तो अपनी पूरी आ चुकी है लेकिन गाइस हेल्थ अभी पूरी नहीं आई है, और गाइस ये पता नहीं अपना अलग ही बिजी हो गया। चल आ जा भाई वापस से फाइट करते हैं, इधर आ जा मैदान पे आ जाओ। चलो गाइस अभी भेजते हैं अपने आरकेएस को वापस से, थोड़ा बहुत डैमेज दे यार, अपना आइस टाइप अटैक कर ले। चलो ओ भाई इलेक्ट्रिक मूव नहीं करना है भाई, बार बार देख रहे हो बैक टू बैक दो अटैक कर रहा है भाई ये अपना ड्रैगोनाइट, देख रहे हो भाई। ओके आरकेएस कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले बाबू। चलो गाइस दूसरे, ओ भाई ये कौन सा अटैक कर रहा है यार, ये इसके आइस देखो गाइस, इसके आइस को पता नहीं क्या हो जा रहा है यार। फिलहाल कोई तगड़ा वाला अटैक आने वाला गाइस, ऐसा नहीं अपना हेल्थ रिकवर करता है शायद ऐसे करके, पता नहीं क्या करता। बट गाइस हम अपन लोग ग्रे निंजा को भेज दिया भाई, ग्रे निंजा थोड़ा अटैक कर सकता है इसके ऊपर, लेकिन भाई अपने ग्रे निंजा के पास तो गाइस आइस टाइप अटैक ही नहीं। आरकेएस को भेजते हैं, देखते हैं कितना अटैक कर पाता है ये वापस से। और गाइस मैं आरकेएस को भेज रहा हूँ ताकि ये आइस टाइप अटैक करे, और भाई ये बार बार अपना इलेक्ट्रिक मूव यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिक मूव यूज नहीं करना है भाई इसके सामने। और भाई देख रहा हूँ अपना शील्ड बार बार ही उड़ाया पड़ा गाइस। चलो लुकारियो बार बार संभाल रहा भाई, लुकारियो गाइस अपना बेस्ट पोकेमॉन है गाइस, देख रहे हो सारे के सारे मूव्स इसके पास हैं, और ये जान रहा है कि फायर टाइप पोकेमॉन है तो इसके खिलाफ गाइस आइस टाइप मूव यूज में आएगा, जिस वजह से बार बार ये आइस टाइप यूज कर रहा भाई, क्योंकि लुकारियो काफी ज्यादा स्मार्ट पोकेमॉन है गाइस। भाई क्या ही आइस टाइप अटैक कर रहा है भाई लुकारियो, बार बार इसको डैमेज कर रहा है, लगभग ना इसका 20% एचपी का डैमेज तो गाइस लुकारियो दिया। वेट ये कौन सा अटैक किया यार, ये पता नहीं आइस क्लोज करके पता नहीं हेल्थ रिकवर करता है कि पता नहीं क्या करता है यार। लगभग 50% एचपी के आसपास हम लोग ले आए हैं इसको, और यहाँ पे कुछ छोटू मोटू पोकेमॉन और आ गए गाइस, इसको पकड़ लेता हूँ यार। अरे पकड़ जा भाई, आजा 100% तो है भाई तो कैप्चर, चला जाओ। चलो
एक और पोकेमोन है ये भी बाद में उंगली करेगा, उससे पहले मैं इसको पकड़ लूँगा। इसको मैंने अभी तक नहीं पकड़ा एक बार भी, साथ से इसका बॉस पोकेमोन मुझे पकड़ना था इसलिए मैं इसको कैप्चर नहीं कर रहा था फिलहाल। ये चलो गाइस अभी ना ड्रैगोनाइट के ऊपर पूरा फोकस रहेगा अपना। वेट, अपने पास सीड नहीं है, मैंने अभी ध्यान दिया। और अभी मेरा डैमेज भाई मेरा हेल्थ के साथ जा रहा है भाई, मेरे हेल्थ के साथ नहीं खेल भाई ड्रैगोनाइट। चलो गाइस लुकारियो को वापस से मैं भेज दिया हूँ क्योंकि लुकारियो ये एक चूका इस बार बार संभाल रहा अपना फाइट। और भाई पता नहीं यहाँ फाइट हो रहा है गाइस, देख रहे हो ये कितना दूर आके फाइट कर रहा है भाई। अभी मैं अपने लेटियस को भेजा हूँ क्योंकि गाइस बगल में ही लावा है और मैं जान रहा हूँ कि लावा में अगर कोई पोकेमोन गया तो गाइस सीधा मर जाएगा अपना भाई साहब, अपने पास लेटियस को मरेगा नहीं। चलो गाइस अभी नीचे आ गया, अपना ग्रीन निंजा देखता है थोड़ा बहुत उसको अटैक देता है, लेकिन ग्रीन निंजा के पास तो इस टाइप अटैक है ही नहीं, तो भाई क्या करेगा, डार्क अटैक कर रहा बार बार। चलो गाइस थोड़ा बहुत अटैक हो रहा, देखते हैं कितना परसेंट, 4% कैप्चर रेट, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला भाई, मैं जान रहा हूँ पहले से। ओके चलो एक और फेंकते हैं, अभी तो नहीं आएगा, अभी और डैमेज देना पड़ेगा फिर ही आएगा। अभी गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ बार बार ताकि ना शायद से जल्दी से कैप्चर हो जाए। मेरे पास थोड़े पल्स पेयर अच्छे खासे हैं, 60 पल्स पेयर है, मैं बार बार फेंकते रहूँगा इसके ऊपर, देखते हैं कैप्चर होगा कि नहीं। बार बार फेंक रहा हूँ, देखते हैं, मैं जान रहा हूँ कि वेस्ट करूँ, लेकिन हमारे पास अच्छे अच्छे पोकेमोन है जो कि भाई स्पेयर तुरंत ही बना देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो गाइस अभी ना इसको अपने गन से भी डैमेज करता हूँ, थोड़ा बहुत एमो मेरे पास बचा है, लगभग 600 बुलेट है अभी, टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छा खासा मैं डैमेज अपने बुलेट से भी दे सकता हूँ। चलो भाई लुकारियो ग्रेट भाई, ओके अपना जो ग्रे निंजा है वो आइस टाइप अटैक कर रहा है इसके ऊपर, मतलब गाइस ये भी स्मार्ट पोकेमोन बन गया क्या अपना, बट मैंने तो अभी इसको इवॉल्व भी नहीं किया यार, वैसे स्मार्ट पोकेमोन बन सकता है यार ये। चलो चलो भाई कोई बात नहीं, अभी मैं बार बार इसके ऊपर ना स्पेयर फेंक रहा हूँ, अभी स्पेयर देख रहा हूँ 37 बचे हैं क्योंकि मैं वीडियो कट कर रहा हूँ भाई बार बार, 37 स्पेयर, हेल्थ लगभग 40% है इस पर, देखते हैं अपन लोग कैप्चर कर पाएंगे भी कि नहीं। चलो गाइस बार बार तो फेंक रहा हूँ, 34 बचे हैं अभी। चलो ओके, ओ भाई ये वाला अटैक से बार बार बचना पड़ेगा, मेरा शील्ड शील्ड तोड़ देता है ये वाला अटैक। चलो लुकारियो का डिफेंस काफ़ी अच्छा है भाई, लुकारियो आइस टाइप, लेट्स गो भाई, अच्छा खासा डैमेज गाइस आइस टाइप में पे। ओ सिट यार, मेरे को पैर पे ना पॉकीबॉल नहीं फेंकना था गाइस, पॉकीबॉल गाइस इसके मुंह पे फेंकना है मुझे और पीछे से फेंकना है ताकि गाइस कैप्चर रेट ज़्यादा आ सके। और भाई फिलहाल तो ये गाइस काफ़ी तगड़ा वाले भाई फायर टूरिस्टर अटैक कर रहा है भाई मेरे ऊपर, और मेरे लेडियस को भाई गाइस मैंने अपना आइस टाइप मूव से काट दिया। अभी कैप्चर हो जाए यार, हो जाए भाई, क्या कर, ओके 4% 5% गया गाइस, ओके अभी 5% जा रहा है, चलो थोड़ा बढ़ गया है परसेंटेज, अभी बार बार फेंकने पर देखते हैं कैप्चर होता है कि नहीं। मैंने गाइस काफ़ी देर से इससे फाइट कर रहा हूँ और भाई साहब 80 लेवल का ड्रैगोनाइट गाइस, ये अगर कैप्चर हो गया ना तो भाई इसको अपन लोग इवॉल्व करेंगे या तो गाइस इसको अच्छा खासा ट्रेन करने वाले हैं अपन लोग, सारे के सारे पोकेमोन से फाइट कराएंगे इसी से, और भाई इसको काफ़ी पावरफुल पोकेमोन बनाएंगे यार अपन लोग, लगभग 100 लेवल तक ले जाएंगे इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोकेमोन बन जाएगा ये, देखते हैं अभी इसको हम लोग हरा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल तो अपना भाई लेटियस अच्छा खासा लगा हुआ है, 5% तक ही जा रहा गाइस, अभी भी कैप्चर नहीं आने वाला भाई, अभी थोड़ा ज़्यादा कैप्चर रेट आएगा ना तो शायद से मे भी ये कैप्चर हो जाए अभी, क्योंकि अभी इसकी हेल्थ लगभग 40% है भाई। तो हाँ गाइस अभी ये तो ये कैप्चर होने से रहा भाई, मेरे को अच्छा खासा इसको डैमेज देना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास ना एक रत्ती का शील्ड बचा है बस भाई, अभी ना मुझे डैमेज नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके बाद जो है मेरी हेल्थ जाने वाली है अटैक की इसकी। तो हाँ ओके शील्ड एक पॉइंट है अभी, चलो गाइस कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना अपने को स्ट्रगल देखना पड़ेगा, फिलहाल ये फंस चुका है, चलो थोड़ा सा ना अपना अटैक कर लेते हैं गन से जब तक ये फंसा पड़ा इससे, पता नहीं दोनों खड़े होकर क्या कर रहे हैं, ये भाई सब निकलना चाहता है कुछ, ओके निकल गए यार। चलो चलो भाई ओके, डबल अटैक एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं अभी भाई, 6% तक आया, चलो 6% तक आ रहा कैप्चर रेट, अभी भी नहीं आएगा क्या, 6% ही आ रहा भाई, आ गया यार, अभी तो नहीं आने वाला गाइस, शायद है ना मुझे बार बार फेंकना पड़ेगा। 19 मेरे पास स्पेयर बचा है गाइस, पोकेबॉल 19 ही बचा है मेरे पास, देखते हैं कितने बार में आता है कि मुझे ना काफ़ी सारे पोकेबॉल लाना था यार इसके लिए, मुझे पता था गाइस इसके लिए ना काफ़ी टाइम लगेगा मुझे कैप्चर करने में। चलो ओके भाई फिर छोड़िए यार, थोड़ा सा और डैमेज देना पड़ेगा, लाल ये फायर वाला टाइप कर दिया मेरे ऊपर। चलो गाइस आइस टाइप में आया है, अच्छा खासा डैमेज होगा इससे मुझे लग रहा, ओके यार मुझे स्पेयर नहीं फेंकना था भाई, देख रहा हूँ इससे अच्छा खासा अटैक मिलता है यार इसको, लुकारियो अपना बेस्ट काम कर रहा भाई, मैं ही पागल जैसे इसके ऊपर स्पेयर फेंके पड़ा हूँ। चलो गाइस अभी 30% एचपी है, 6% ही आ रहा है कैप्चर रेट, देखते हैं, ओके यार अभी नहीं आएगा, 6% आ रहा गाइस, अभी भी 6% आ रहा है, और फेंकते देखते हैं, आ जाए यार आ जाए भाई, चलो आ जाए यार आ जाए, 6% यार अभी भी 6% तो नहीं आने वाला गाइस, अभी मुझे ना काफ़ी इसको डैमेज देना पड़ेगा क्या। ओके गाइस फिर से बच गई है, अभी अटैक करेगा गंदा वाला मेरे ऊपर, ओके बच गया यार। चलो गाइस अभी ना थोड़ा आइस टैक अटैक पड़ा है इसको, एक और फेंक के देखते हैं, शायद ना मे बी कैप्चर हो जाए इस बार, थोड़ा 6% में तो नहीं होने वाला भाई मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अभी गंदा वाला मारा गया इस लुकारियो इसको,
देखते हैं क्या पता इस बार कैप्चर हो जाए। आ जा भाई, 6% आ रहा गाइस अभी भी। अरे यार नहीं आने वाला, कहाँ गया? ओके लुकारे उधर देख रहा, मतलब उड़ की गया कहीं। ओके भाई उड़ गया क्या ये भाई? गंदा डर है भाई मेरे से, अभी इसको बता दो। चलो गाइस ये रहा गाइस ऊपर चढ़ गया, देख रहे हो, अभी बताते हैं गाइस इसको। अभी अपन लोग नीचे आ गए हैं, चलो थोड़ा डर गया, मतलब ये कैप्चर होने वाला है अभी, देखते जाओ। अभी ऊपर आ गया ना, अगल बगल लावा है, बस मुझे लावा पर नहीं गिरना है, इसका ध्यान रखना है। ओ भाई मैंने ये स्पेयर ख़राब कर दिया यार, मतलब यूज़ में नहीं आया वो। चलो एक बार और फेंकते हैं, 6% ही आ रहा, क्या पता इस बार आ जाए, नहीं आएगा गाइस। अभी तो ये बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होने वाला है, 6% ही कैप्चर रेट आ रहा अभी भी। ओके लेट्स गो, आ जा। ओ भाई आ गया भाई, कैप्चर कर लिया गाइस अपन लोगों ने ड्रैगोनाइट को यार, काफी देर की फाइट के बाद फाइनली हम लोगों ने ड्रैगोनाइट को कैप्चर कर लिया गाइस। ऑल राइट गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं रात भर अपने बेस पे रहा ड्रैगोनाइट के साथ में। अभी मैं आप लोगों को अपना ड्रैगोनाइट दिखाता हूँ कैसा दिखता है गाइस कैप्चर होने के बाद, अपना ड्रैगोनाइट फर्स्ट लुक आप लोग देख सकते हैं। और गाइस ये मेरा टीम में हमेशा रहने वाला है, तो आप लोग को बार बार देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ, ये रहा गाइस अपना ड्रैगोनाइट, देख रहा हूँ क्यूटी है गाइस, क्यूटी पोकेमोन है गाइस। और गाइस इसके आँख को देख के मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कोई तगड़े फॉर्म में जाने वाला, और गाइस काफी पावरफुल पोकेमोन बनने वाला है। फिलहाल तो मुझे इसके बारे में कुछ बिल्कुल भी पता नहीं है, मुझे इसके बारे में क्या होने वाला है इसके। फिलहाल गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मे बी आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो पसंद हो तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर दो भाई, 500 सब्सक्राइबर करवा दो अपने, और कमेंट करके बताना कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।